नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आई होप सो आप सब बढ़िया होंगे। और आज जो वीडियो बना रहा हूँ उसके अंदर मैं आपको पोर्ट से रिलेटेड कुछ नॉलेज देने वाला हूँ। अगर जो कोई गलती होगी इस वीडियो के बीच में तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, अपना छोटा भाई समझ कर। सो आपको मैं इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। जैसे कि आप यहाँ इस सामने जो हमारा स्क्रीन है उसमें देख सकते हैं, दो जहाज हैं, दो बड़े शिप हैं जो पोर्ट के किनारे में डॉक हो गए हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं इस जहाज के अंदर में चार क्रेन हैं। जहाज के जस्ट ऊपर में आप देख रहे होंगे व्हाइट कलर की जो क्रेन है, तो वो क्रेन क्या करती हैं कि बाहर में हमारे पास जो पोर्ट के किनारे में मटेरियल होता है उसको जहाज के अंदर लेती हैं और जहाज के अंदर जो मटेरियल होता है उसको वो बाहर करती है। तो ये प्रोसेस होता है। जैसे कि पोर्ट में एक बड़ी क्रेन होती है, जैसे कि आप देख रहे होंगे ये क्रेन जो है जहाज से मटेरियल को क्या कर रही है, बाहर की तरफ ले रही है। इस जहाज में कोई क्रेन नहीं है, जो सेकंड वाला जहाज उसमें कोई क्रेन नहीं है। पोर्ट में एक क्रेन है जो कि उस कार्गो को बाहर की तरफ शिफ्ट कर रही है और वो कन्वेयर के थ्रू होते हुए किसी एक प्लॉट में जाके स्टोर होता है और वो जो स्टोर होता है वो फिर ट्रक के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाय रोड के थ्रू। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे कि एक छोटा सा केबिन है जहाँ से वो ऑपरेटर जो है उसको ऑपरेट करता है। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।